नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी मौर्य स्टेट जंक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है नेटवर्क का, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंतर्गत बच्चों इंटरनेट से ज़्यादा संबंधित इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपके इंटरनेट में हो गया, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, किस किस में काम में आता है, या फिर आपके इंटरनेट के अलावा यदि अपन बात करें कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है और बाकी सब ब्राउज़र वगैरह, ब्राउज़र क्या होता है और इंटरनेट है, ईमेल है, नेटवर्क है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें से अपने एक दिल्ली पुलिस के लिए एक छोटा सा टॉपिक उठा रहे हैं नेटवर्क, कि नेटवर्क के प्रकार या टाइप्स कितने होते हैं और ये किस किस तरीके से किस किस में कार्य करता है या वर्क करता है। उसकी बात यदि अपन बात करें तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की यदि अपन डेफिनेशन देखें तो नेट का मतलब अपन क्या कह सकते हैं, इंटरनेट। क्या इंटरनेट, वर्क का मतलब हो गया आपका कार्य, सीधा सही कोई मतलब नहीं, मतलब कि इंटरनेट पर अपन वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। इसका अपन मीन यदि अगर इसका मतलब समझे तो इसका मतलब ये होता है कि नेटवर्क का मतलब कि एक, या अपन ऐसे कर सकते हैं कि मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान जो करते हैं, या उसको कम्युनिकेशन बोल सकते हैं या वो अपने को नेटवर्क बोल सकते हैं। जैसे अपन ये मान लो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं को कैसे स्थानांतरित करेंगे, उसको अपन क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। तो ये तो हो गया नेटवर्क क्या होता है, छोटी सी परिभाषा होगी। अब इसकी देखो टाइप की यदि अपन बात करें कि नेटवर्क के टाइप कितने होते हैं, तो बच्चों टाइप्स ऑफ नेटवर्क या नेटवर्क के प्रकार कितने होते हैं, तो इसके चार प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा होता है, इसका होता है पेन। क्या होता है, पेन। दूसरा अपना होता है लेन, ये बच्चों नाम याद रखने हैं आपको। तीसरा होता है मेन और चौथा आपका हो गया वेन। क्या हो गया बच्चों, वेन। ये नाम मेरे साथ साथ बोलो, कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, चार प्रकार के। पहला हो गया आपका पेन, दूसरा हो गया लेन, तीसरा हो गया मेन और चौथा हो गया वेन, ठीक है। अब एल पी ए एन यानी पेन की फुल फॉर्म, इन चारों की फुल फॉर्म देखते हैं अपन सबसे पहले कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनका पूरा नाम क्या होता है। तो सबसे पहले यदि पेन की बात करें तो इसकी हो गई पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि पेन की फुल फॉर्म क्या होती है, या आपको पूछ सकता है लेन की, तो लोकल एरिया, क्या बच्चों, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर मेन की यदि अपन बात करें तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। चौथा यदि अपन बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क। ये चारों की होगी आपकी फुल फॉर्म। अब यदि एग्जामिनर आपको ये भी पूछ ले कि पेन की फुल फॉर्म क्या होती है, मेन की फुल फॉर्म क्या होती है, वेन की क्या होती है, तो आप सीधा सा उदाहरण दे देना कि भाई ये होती है। अब यदि अपन इसके उदाहरण की बात करें कि पेन में कौन से आते हैं, लेन में कौन से आते हैं, वेन में कौन से आते हैं और वेन में कौन से आते हैं, तो बच्चों पर्सनल आपको कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नेटवर्क कहीं पर भी पढ़ोगे तो आपको सिर्फ तीन टाइप पढ़ाए जाएंगे। कितने टाइप पढ़ाए जाएंगे, तीन प्रकार पढ़ाए जाएंगे। उसमें आपको सबसे ऊपर वाला पेन है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क, सिर्फ आपको तीन ही टाइप पढ़ाए जाएंगे। लेकिन टाइप्स कितने होते हैं, चार होते हैं। कितने होते हैं, चार होते हैं। ये इसमें कौन से आते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क में, तो आपको यदि एग्जाम में, पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है सीधा सा ही कि ब्लूटूथ होता है, क्या होता है ब्लूटूथ, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो उसमें ये सब नाम थे, चारों के चारों नाम थे, कोई अगले ने ये नहीं दिया कि इनमें से कोई नहीं, तो उसमें काफ़ियों ने क्या, अधिकतर 99% बच्चों ने किया था लेन। क्या किया था, लेन। लेकिन ये लेन आपका आंसर नहीं होगा, उसमें आपका आंसर होगा पेन। पेन का मतलब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है।
अब पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होगा कि अपने खुद का पर्सनल जो नेटवर्क होता है, ठीक है, कुछ दूरी मान लो 200 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर, उस क्षेत्र विशेष में जो कार्य होता है, ठीक है, जो भी डेटा को अपन आदान प्रदान करते हैं वो किसके द्वारा करेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क के द्वारा करेंगे, ठीक है। उसमें ये भी आ सकता है कि वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, जैसे ब्लूटूथ है वो वायरलेस है, तो उसको अपन किस में यूज़ करेंगे, आपको सीधा सा एग्जामिनर पूछ लेगा कि ब्लूटूथ निम्नलिखित में से उदाहरण है, तो आपको क्या करना है, पर्सनल एरिया नेटवर्क उसका आंसर करना है। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क का मैंने बता दिया कि कुछ दूरी 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, किसी क्षेत्र विशेष या कुछ दूरी जो निश्चित समय सीमा हो, उसमें तो अपन किसका यूज़ करेंगे बच्चों, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। और लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क अपने ये मान लो कि कोई बिल्डिंग है अपनी, दो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, मतलब दो मंजिल, तीन मंजिल, चार मंजिल, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में डेटा का जो आदान प्रदान करने के लिए जो कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे मैं ये छोटा सा उदाहरण मान लो, ये अपना कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर पे है, ये सेकेंड फ्लोर पे है। यदि इनको यदि अपन आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा, आपके लोकल एरिया नेटवर्क में आएगा, ठीक है। और लोकल एरिया नेटवर्क में जैसे अपन यदि छोटा सा उदाहरण देखें, तो आपने देखा होगा कि जो सिक्योरिटी गार्ड वाले जो माइक्रोफोन वगैरह रखते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए उस दूरी के बीच में, तो वो भी किस में आते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में आते हैं। या फिर अपन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में यदि, या अपने एक कंप्यूटर लैब मान लो, क्या है, कंप्यूटर लैब में यदि आपस में कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं, तो वो किस में कनेक्टेड, किसके किस में आएगा, वो लोकल एरिया नेटवर्क में आएगा। मतलब इस कंप्यूटर में जो डेटा है वो इसमें भी यूज आएगा, और जो इसमें है मतलब सब में आपस में यूज अपन कर सकते हैं। फिर यदि अपन बात करें मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, किसकी बात करें बच्चों, इस मेन की यदि बात करें, तो मेन का मतलब हो गया कि कुछ एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से कोई इसमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि एक शहर से दूसरे शहर, मतलब जो नज़दीक जो आसपास में जो शहर हैं, उन शहरों में यदि कंप्यूटर से के द्वारा जो डेटा का आदान प्रदान किया जाता है, वो किस में आएंगे, आपके मेन में आएंगे। जिस तरीके से यदि अपन इसका एक उदाहरण देखें कि जो लैंडलाइन फ़ोन आपका किस में, इसमें यदि अपन देखें तो लैंडलाइन फ़ोन आपने देखा होगा, लैंडलाइन फ़ोन डब्बा जिसको बोलते हैं अपन, लैंडलाइन फोन किस में आएगा बच्चों, इसमें आपका भी मेन में आएगा। फिर यदि अपन वैन की बात करें, तो वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब हो गया कि एक किसी देश या प्रदेश, मतलब एक महाद्वीप मान लो, देश मान लो, एक देश से दूसरे देश में यदि डेटा का ट्रांसफर करना है, तो वो किस में आता, आपके वाइड एरिया नेटवर्क में। तो ये अपना एक नेटवर्क का टाइप्स था कि चार टाइप के होते हैं, इसमें आपको एग्जाम ये पूछ सकता है। ये जैसे यदि अपन एटीएम की बात करें, किसकी, एटीएम की, तो एटीएम आपके किस में आएगा, वाइड एरिया नेटवर्क में। आपको सीधा सा एग्जामिनर सीधा सा उदाहरण पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से एटीएम किसका, किस नेटवर्क का उदाहरण है, तो आपको बच्चों क्या देना है, वेन आंसर देना है। यदि आपको लैंडलाइन फोन का दे दे, तो आपको मेन का उदाहरण, मेन का देना है। और यदि लोकल एरिया नेटवर्क में यदि आपको जो माइक्रोफोन वगैरह का उदाहरण दे दे, तो किस में देना, लेन में देना है। और यदि ब्लूटूथ वगैरह का दे दे, तो आपको क्या करना है, पैन में। किसी भी हालत में आपको जो ब्लूटूथ वगैरह का यदि आपसे पूछा जाता है, तो आपको उसमें लेन वगैरह का नाम नहीं देना, किसका देना है, पैन का देना है, ठीक है। अब यदि अपन आगे बात करें किसकी, इसी टॉपिक के अंतर्गत यदि अपन ईमेल की बात करें, किसकी, ईमेल की, कि ईमेल क्या होता है और ये किस तरीके से कंप्यूटर में कार्य करता है और ये क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है। तो मैं सबसे पहले ईमेल की यदि बात करूं, किसकी बात करूं, ईमेल की बात करूं, तो ईमेल की यदि बात करूं, तो इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म बच्चों क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक, क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इसको अपने शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, ईमेल, ठीक है। अब ईमेल के लिए सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कोई भी यदि आपकी कोई मेल है, उसका आपका एक यूनिक एड्रेस होता है। क्या होता है, यूनिक का मतलब क्या होता है, कि यूनिक का मतलब हो गया कि कोई आपके पास एक कोई चीज़ है, मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन आपके पास है, तो मतलब ये आप किसी भी
दुनिया में किसी भी देश में किसी भी जगह चले जाओ, ये पेन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यदि आपका कोई मोबाइल नंबर है, जिस तरीके से आपके कोई भी मोबाइल नंबर है, जैसे 89653 ये नंबर है, ठीक है, ये यदि आपके मोबाइल नंबर है, ये किसी और के पास नहीं मिलेंगे। मतलब ये एक यूनिक हो गया। क्या हो गया? यूनिक। यूनिक का मतलब हो गया किसी व्यक्ति विशेष के पास, किसी व्यक्ति विशेष के पास वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो उसी तरीके से आपके एक मेल आईडी होती है, जिस नाम से यदि आपकी ईमेल आईडी आप बनाना चाह रहे हो, यदि वो नाम किसी नाम से पहले से बनी हुई है तो आपको वो चीज़ उस नाम से नहीं मिलेगी। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों की वरीयता दी जाती है, जो मतलब पहले आओ पहले पाओ वो परिस्थिति रहती है। यदि आपने पहले बना ली तो मतलब आप वो चीज़ आपको किसी दूसरे के पास नहीं मिलेगी। मतलब आप रजिस्टर्ड कर चुके हो उस चीज़ को, तो रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो उस नाम से दोबारा नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी मेल। इस मेल के भी आपके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं मेल के? दो पार्ट्स होते हैं। पहला तो आपके पास एक तो क्या हो गया, डोमेन नेम। क्या आता है? डोमेन नेम। एक तो एक आता है आपका यूजर नेम। क्या आता है बच्चों? यूजर नेम। मतलब एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। अब यदि अपन यूजर नेम की बात करें तो इसमें आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि यूजर नेम में जो भी आप मेल आईडी बनाओ तो यूजर नेम के अंतर्गत आप स्पेस नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? स्पेस नहीं दे सकते। दूसरी चीज़, इसमें करेक्टर वगैरह भी रहते हैं कि आप इस तरीके से करेक्टर का मतलब यूज करो, ये करो वो करो। और डोमेन नेम का मतलब होता है कि आप कौन सी मेल आईडी यूज कर रहे हो। जैसे यदि आप .com जीमेल कर रहे हो तो gmail.com आ जाएगा, यदि आप याहू कर रहे हो तो याहू आ जाएगा, हॉटमेल कर रहे हो तो हॉटमेल आ जाएगा। अब इसकी यदि अपन बात करें किसकी, मेल की, तो किस तरीके यदि अपन मेल करना चाहें तो अपने पास एक तो सेंडर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर होता है। सेंडर कौन होता है बच्चों? सेंडर वो होता है जो मेल को सेंड करता है, और रिसीवर वो होता है जो मेल को रिसीव करता है या अपने को प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत अपने यदि अपन मेल करना चाहें तो अपने पास ये इस तरीके का कुछ डायग्राम होता है छोटा सा। इसमें सबसे ऊपरी ऊपर तो क्या आता है, टू आता है। क्या आता है? टू। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, सीसी आएगा। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट आएगा। और फिर नीचे ये एक बार अलग से रहती है, इसमें अटैचमेंट वगैरह के वो आते हैं। और इधर आपके पास आता है सेंड। इस डायग्राम को थोड़ा सा देख लो। अब इस डायग्राम को यदि अपन बात करें कि इस डायग्राम में टू का क्या मतलब है, टू का मतलब ये होगा बच्चों कि जिसको भी अपने को इसको सेंड करना है, क्या कर सेंड करना है, मेल करना है, तो सबसे पहले जिसको भी अपन सेंड कर रहे हैं उसकी अपने को क्या पता होना जरूरी है, मेल आईडी पता होना जरूरी है। तो उसकी जैसे मेल आईडी मैंने यहाँ पे लगा दी, क्या लगा दी, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई मोर स्टडी जंक्शन @gmail.com। क्या बच्चों? @gmail.com। अब काफी बच्चों के तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है, जो ये साइन होता है अपन ए लिख के इस तरीके का जो साइन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, @ काफी बच्चों को कंफ्यूज रहता है, वो ये बोलते हैं कि ए का साइन ऐसे घुमा दो, ऐसा नहीं होता, इसको अपन बोलते हैं @ ठीक है बच्चों। अब यदि अपन आगे बात करें कि टू के अंतर्गत क्या आएगा कि जिस बंदे को अपन जो मेल सेंड कर रहे हैं वो किस में आएगी, टू में। और सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे देखो ये सीसी नाम आ रहा है, सीसी का मतलब हो गया कार्बन कॉपी। क्या होता है बच्चों? कार्बन कॉपी। मतलब एक ही मेल को आप यदि किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों को यदि सेंड करना चाह रहे हो तो अपन किसको करेंगे, कार्बन कॉपी। अब जैसे मैं सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मोर स्टडी जंक्शन को मैं जैसे कर रहा हूँ। अब यदि मैं और किसी बंदे को मैं मेल करना चाह रहा हूँ तो जितने भी बंदे हैं, भले वो 10 हो 15 हो 20 हो या कोई भी फर्म हो कोई भी व्यक्ति हो, यदि उनको सेंड करना है एक ही मेल को, मेरे को 10 या 10 से अधिक या दो से अधिक व्यक्तियों को सेंड करना है, उस परिस्थिति में बाकी की मेल जो मुझे टाइप करनी है वो किस में करनी है, सीसी में करनी है। सब्जेक्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट में कोई भी यदि अपन मेल कर रहे हैं, कोई भी मेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड अपना क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक होता है या टाइटल बोल सकते हैं अपन, टाइटल नेम होता है कि सामने वाले बंदे को, जैसे अपन किसी को डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, उस परिस्थिति में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डाल दोगे कि डॉक्यूमेंट, तो वो बंदा समझ जाएगा कि इस चीज़ के डॉक्यूमेंट है। मतलब सब्जेक्ट का मतलब आपको नॉर्मली से आपको बताने की इतनी डीपली बताने की जरूरत नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं तो ये देख लेना आप। अब बात आती है यदि हमारे पास कुछ
फाइलें पहले से टाइप की हुई हैं, कोई हमारी इमेज है, कोई भी टेक्स्ट फाइल है या अपनी कोई वीडियो है। सबसे पहले तो मैं ये वीडियो की बात आ गई तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक ईमेल के थ्रू या मेल के थ्रू कितनी साइज तक की वीडियो आप सेंड कर सकते हो। ये चीज़ एग्जामिनर आपको सीधा भी पूछ सकता है कि एक ईमेल के थ्रू आप कितनी MB की साइज आप वीडियो सेंड कर सकते हो, या कितनी भले वो डॉक्यूमेंट फाइल हो कोई भी हो, 10 MB तक का डेटा आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास स्थानांतरित कर सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो। ये चीज़ आ गई। अब मैं ये बता रहा था कि यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी इमेज वगैरह यदि पहले से नहीं है, आप डायरेक्ट टाइप कर रहे हो, तो ठीक है इस पेज में कर लो। ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में आप टाइप करो। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी इमेज वगैरह है, कोई भी वीडियो वगैरह है आपके पास पहले से आपके सिस्टम में, या सिस्टम का मतलब कंप्यूटर में यदि आपके पास पड़ी है, उस परिस्थिति में आप उस फाइल को कैसे अटैच करोगे, कैसे अटैच करोगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अटैच का, एक ऐसा इस तरीके का सिंबल मिलेगा, किस तरीके का एक सिंबल मिलेगा। उस सिंबल पे यदि आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स का मतलब होगा एक नया बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स के अंतर्गत जाके आप अपनी लोकेशन, जहाँ पे भी वो वीडियो आपका कंप्यूटर के अंतर्गत सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, जहाँ पे भी वो रखा हुआ है, वहाँ से आप उसको लेके आ सकते हो, अटैच कर सकते हो इसमें, और जब भी ये अटैच हो जाए आप उसको सेंड कर सकते हो। तो ये था एक आपका छोटा सा ईमेल। और अब अपन आगे की वीडियो में बात करेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट से संबंधित कुछ बातें हैं उनमें देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।